अरे बताइए ना, भाभी जी ने ऐसा क्या कांड कर दिया जो आपके फाकते उड़े हुए हैं? काहे इतना पीछे पड़े हैं उनकी, जरा शांत रहिए ना, उनको थोड़ा अंडर टेबल होने दीजिए। भाभी जी इज कंफर्टेबल, सही पकड़े हैं। पानी, अरे पानी, अब बताइए शांति से अपने दिल का बात। भाभी जी दिल की बात बताने के लिए ये जगह माकूल नहीं है। हाँ क्या बोले भाभी जी, क्या बताऊँ, बहुत बड़ा कांड हो गया है, बहुत बड़ा कांड हो गया, बहुत बड़ा कांड हो गया। अरे यार ऐसा क्या कांड हो गया, भाभी जी के साथ रोमांस कर लिया क्या? कुइयां का रोमांस कर लिया, कुछ नहीं हुआ, शुक्र है भगवान का। क्या बका भी आपने? हमने का शुक्र है भगवान का कि आपने भाभी जी के साथ रोमांस नहीं किया। मैंने अनु के साथ रोमांस नहीं किया, इस बात का आप जश्न क्यों मना रहे हैं? अरे यार हम जश्न नहीं मना रहे हैं, हम तो बस इतना पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या कांड हुआ कि आप बेडरूम से भागे। अब बस ना, आप भी ना कुछ भी बात करते हैं। देखिए हाँ हाँ बरबूती जी, ये बताइए कि आप काहे भागे? अभी जी क्या बताओ, बताते हुए मेरी रूह कांप रही है। अरे तो जाइए घुइया के खेत में यार, ऐसा भी क्या डरना। क्या बकवास कर रहे हैं आप, आपको कोई आइडिया ही नहीं, अगर आपके साथ ऐसा हुआ होता ना जो मेरे साथ हुआ है, आप तो मर गए होते हैं। आप अल्लाह को प्यारे हो गए होते हैं आप। दिया सब सब बोलिए। हाँ अब बताइए क्या हुआ। अभी जी मैं बड़े रोमांटिक मूड में था। फिर क्या हुआ? फिर मैंने अन्नू का हाथ पकड़ा, अन्नू को करीब ले गया। उनको बहुत गुदगुली हुआ होगा ना? फिर मैं अन्नू के करीब गया, अन्नू को अपने करीब ले गया। हमको बहुत शर्म आ रहा है। भाभी जी हम लोग ने ना रोमांस की नदी में छलांग लगा दी। करते करते आप नदी में छलांग लगा दिए, लेकिन नदियों में तो कितना उफान आया हुआ है। हमारे रोमांस में ना बड़ा उफान आया हुआ था। लेकिन इतना बाढ़ में आप और अनीता जी डूबे नहीं? ये तो प्रॉब्लम है भाभी जी की, डूब ही नहीं पाए, बस डूबने वाले थे कि अचानक अन्नू ने ऐसी हरकत कर दी, नदी का पानी सूख गया। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्या हरकत करेंगे कि नदी का पानी सूख जाएगा? अरे तुम चुप रहोगी? औरम औरत, अरे भाई आप पहेलियां काहे बुझा रहे हैं, बताइए ना आखिर हुआ क्या।